वेलकम टू माय चैनल घर की रसोई बाय दीपिका। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ लहसुनी पालक। लहसुनी पालक के लिए मैंने पालक लिया है 1 किलो, जिसको मैंने धो के अच्छे से रखा है। साथ में 3 टेबलस्पून हम ले रहे हैं लहसुन, जो मैंने चॉप किया हुआ है बारीक बारीक। 2 हमने लिए हैं प्याज बारीक काट के, मीडियम साइज आपको लेना है प्याज। 1 टेबलस्पून हमारा जा रहा है बेसन। 1 टेबलस्पून हमारी जा रही है क्रीम। 1/2 टीस्पून हमारा जा रहा है गरम मसाला। 1/2 टीस्पून हमारी जा रही है लाल मिर्च। 1 टीस्पून हमारा जा रहा है जीरा। 2 टेबलस्पून हमारा जा रहा है ऑयल। 1 टेबलस्पून हमारा जा रहा है बटर। 1 टेबलस्पून हम ले रहे हैं कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। 3 से 4 होल लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च यानी कि। 1 टीस्पून हमारा जा रहा है जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 टीस्पून हमारी जा रही है हरी मिर्च चॉप की हुई। 1 टीस्पून हमारा जा रहा है शुगर। सबसे पहले हम अपने पालक को ब्लांच करेंगे। ब्लांच करने के लिए हम करेंगे पानी को गर्म। पानी के साथ इसमें डाल रहे हैं हम जो शुगर है, ये पानी में जब बॉयल आ जाएगा इसके अंदर डालेंगे हम पालक अपना सारा, और पालक को एक बॉयल आने तक अच्छे से कुक करेंगे इसके अंदर 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद उसको हम डाल देंगे ठंडे पानी में। ये हमारा पानी गर्म हो गया, इसके अंदर डाल रहे हैं हम अपना पालक। ये मेरा छोटा रह गया, मैं इसको एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट हम इसको उबाल रहे हैं हमारे पालक को, और साथ में रख रहे हैं हम ठंडा पानी, ताकि जैसे ही हमारा हल्का सा पालक बॉयल हो उसको हम ठंडे पानी में डाल दें। ये मैंने फ्रिज का पानी यूज किया है। ये हमारे 2 मिनट हो गए, फ्लेम को हमने कर दिया बंद, और इस पालक को हम निकालेंगे ठंडे पानी में हमारे। ये हमने पालक अपना ठंडे पानी में निकाला है। इसमें से हम क्या करेंगे, अभी थोड़े से पालक को हम चॉप करेंगे। थोड़ा सा पालक हम निकालेंगे और इसको बारीक बारीक चॉप करेंगे, और बाकी पालक को हम प्योरी बनाएंगे अपनी। ये हमने अपने पालक को चॉप कर लिया है। ये अपने पालक को चॉप करके हम रख लेंगे अलग, और जो हमारा बाहर रिमेनिंग पालक है इसको हम प्योरी बना लेंगे मिक्सी के जार में डाल के। अब हम लेंगे एक पैन। अब हम ले रहे एक पैन, पैन में डालेंगे ऑयल, और इसमें डालेंगे घी गर्म होने के बाद हमारा जीरा। हल्का सा करेंगे इसे रोस्ट, और अब इसमें डालेंगे हम अपना 2 टेबलस्पून लहसुन। 1 टेबलस्पून हम तड़के के लिए बचा लेंगे अपना। इसको हम हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे, जो कच्चापन है वो निकल जाए तब तक। लहसुन के भुनने के बाद इसमें डालेंगे हम अपने प्याज, और इसको भी हाई फ्लेम पे हम गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। अब प्याज को आप गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। ये हमारे प्याज भुन गए हैं, इसके अंदर डालेंगे हम हरी मिर्च अपनी, साथ ही में इसके ऐड कर रहे हैं हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको 2 मिनट भुनेंगे हम। 2 मिनट भुनने के बाद इसमें डालेंगे हम अपना बेसन, और उसको भी अच्छे से कुक करेंगे 2 मिनट के लिए। फ्लेम को हल्का सा मीडियम कर दीजिए आप। बेसन भुनने के बाद इसमें ऐड कर रहे हैं हम अपना चॉप किया हुआ जो हमारा पालक था वो, और उसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। फ्लेम को हमने अब कर दिया हाई। 2 मिनट कुक करके इसके बाद इसमें ऐड कर रहे हैं हम अपने पालक की प्योरी को, और इसको भी हाई फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। बाकी इसमें हम डाल रहे हैं अब नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हमारा धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला डालेंगे हम सबसे एंड में। अब इसको कुक कर रहे हैं हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से। हमारे इसको कुक होते हुए 2 मिनट हो गए हैं, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली जितना आपको पतला करना है उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं ज्यादा पतला करना तो आप पानी ऐड मत कीजिए। अब इसमें डालेंगे हम अपनी क्रीम, अच्छे से इसको करेंगे कुक एक बार क्रीम को। 1 मिनट इसको हम कुक करेंगे क्रीम के साथ, और हमारा पालक डन है। इसके बाद इसमें लगाएंगे हम सेकंड तड़का। इसको रख रही हूँ मैं दूसरी फ्लेम पे, और यहाँ पे कर रहे हैं हम अपने तड़के की तैयारी। तड़के के लिए लिया है मैंने पैन। पैन में मैंने डाला है बटर। पालक की फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद। बटर के गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे हम अपनी लाल मिर्च, इसको करेंगे हल्के से सौटे, और बाद में इसमें डालेंगे हम अपनी जो लहसुन था हमारा बचा हुआ वो, इसको अच्छे से भूनेंगे लहसुन को हम। हाई फ्लेम पे हम लहसुन को भून रहे हैं अपने, ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए।
लहसुन के भुन गया है, नीम को हमने कर दिया है बंद। इसको डालेंगे हम अपने पालक में। हमारा लहसुनी पालक रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रेसिपीज। थैंक यू।